हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही लौकी की सब्जी, जो कि बहुत ही अलग टाइप की है। और आपने लौकी चना दाल खाया होगा, लौकी के कोफ्ते भी खाए होंगे, और लौकी बेसन की सब्जी भी बनती है, वो भी खाए होंगे आपने। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मैं बना रही हूँ जिस स्टाइल से, वो आप लोग खाए हैं कि नहीं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, इन तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए फिर किचन में चलते हैं और देखते हैं लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो इस लौकी की सब्जी को थोड़ी चटपटी भी बनाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया, तो हम लोगों को सब्जी थोड़ी सी अच्छे से मसालेदार और चटपटी ही बनानी चाहिए। तो जल्दी है चलते हैं किचन में और देखते हैं लौकी की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट लगने वाला। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो देखते हैं। लौकी मैं ली हूँ, 1 किलो लौकी ली थी, जिसको धो के मैं घिस ली थी और इसका पानी ड्रेन कर ली थी, और कंटिन्यू पानी ड्रेन हो रहा है तो वो मैं एक साइड कर ली हूँ। और मैं ली हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैं बारीक काटी हूँ, और 1/2 चम्मच सरसों ली हूँ, और 2 से 3 सूखी मिर्च है, और 1 मीडियम साइज का टमाटर है, और सूखे मसाले हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून है मेरा धनिया का पाउडर, और 1/2 टीस्पून है मिर्च, और ये सब्ज़ी मसाला 1 चम्मच है, जिसकी जगह आप मैगी मसाला है किचन किंग ले सकते हैं। अब एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल डाली हूँ मैं, और जो सरसों मिर्ची और लहसुन है वो मैं इसमें डाल दूँगी बघार के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो मेरे सूखे मसाले में हल्दी है, हल्दी मैं इस तेल में पहले डाल दूँगी, ताकि जो हल्दी का फ्लेवर है अच्छी तरह से सब्ज़ी में आ जाए, और अच्छी तरह से फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाए। तो इस तरह से मैंने हल्दी फर्स्ट में डाल दी हूँ, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जो मैं लौकी घिस के रखी हूँ, इसका पानी मैं ऑलमोस्ट ड्रेन कर ली थी, तो अब मैं इसमें लौकी जो है डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो लहसुन मिर्च और सरसों, इसका जो बघार हमने डाला है वो सब्ज़ी में अच्छे तरीके से आ जाए। तो हम इसे इस तरह से फ्लिप करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो बाकी के सूखे मसाले थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो बाकी के सूखे मसाले हैं, अब मैं इसमें ये भी ऐड कर लूँगी, जैसे नमक मिर्च धनिया सब्ज़ी मसाला, ये सब मैं डाल दूँगी। और आप जैसे मैंने बताया था, मैगी मसाला या किचन किंग होगा आपके घर में तो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं मसाले डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दी हूँ, और इसे 2 से 3 मिनट खुला करके बनाई हूँ, ताकि इसका मॉइस्चर उड़ जाए। अब थोड़ा सा इसे ढक देते हैं हम 5 मिनट के लिए। तो देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने देखा है तो इसका तेल जो है हल्का हल्का सेपरेट हो रहा है, और ये थोड़ा सा भुन भी गया है। अब इसे ढक के मैंने 2 मिनट और पकाया था, तो अब देखते हैं कि अब हमारी सब्जी कैसे हुई है। तो वो ढक के भी 2 मिनट पकाया मैंने, तो ऑलमोस्ट इसका मॉइस्चर चला गया है और सब्ज़ी हमारी भुन भी गई है। तो अब इसमें टमाटर डालने की बारी आ गई है, तो इसे एक साइड करके हम रख देंगे, और टमाटर जो है इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का ही टमाटर डाला है मैंने, क्योंकि हमारी सब्ज़ी काफ़ी थोड़ी सी हो गई है, 1 किलो लौकी, लेकिन लौकी जो थोड़ी सी दब जाती है ना बनाने पर, तो इस तरह से मैं टमाटर से कवर डाल के कवर कर दूंगी। मुश्किल से 5 से 7 मिनट कवर करूंगी। अब देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी भुन गई है, साइड से भी तेल जो है सेपरेट हो गया है, और टमाटर भी मेरे जो है सॉफ्ट हो चले हैं। तो अब ये इस टमाटर को मैं चम्मच से इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम अच्छी तरह से इस टमाटर को इस तरह से दबाते हुए सब्ज़ी में मिक्स करेंगे। आप लोग अपने घर में कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताएंगे। तो ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी गल भी गई है, और बहुत अच्छा सा कलर भी आया है, तो मैं इसमें धनिया पत्ती जो है थोड़ा सा डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ती हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी है, ये देखिए कलर भी इसका इतना सुंदर आया है। और अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। मुश्किल से 7 से 8 मिनट में ही सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो मैंने इसे छोटे से बाउल में डिश आउट कर लिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसे गार्निश कर दूँगी। तो देखिए मेरी लौकी की, कद्दूकस की हुई लौकी की सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी है। इसे रोटी के साथ आप बनाएंगे
रोटी के साथ ये सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और खाएंगे जो चटपटी सी बनी है, और जो भी है आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि मेरी सब्ज़ी आपको कैसे लगी, और मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अगले से रेसिपी में मिलते हैं।